नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। राजधानी में एक बार फिर कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं, उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सहकारी समिति कर्मचारियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। सुबह से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारियों को पुलिस लगातार हटाने का प्रयास करती रही। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सभी को वहां से खदेड़ दिया। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ मच गई, जिसमें एक दूसरे के ऊपर गिरते नजर आए कर्मचारी। वहीं प्रदर्शन के दौरान जाम के चलते एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। इस दौरान आरती देवी नाम की गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे परिवारजन जाम के चलते परेशान हुए। आपको बता दें कि कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेरने जा रहे थे, तो पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री सहकारी समिति और सहकारिता मंत्री और अन्य शीर्ष विभागीय अधिकारियों से मिलने के बाद भी कर्मचारियों को समस्या को नहीं सुना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा वेतन काफ़ी दिनों से नहीं मिला है और हमें नियमित किया जाए जो मानदेय है वो नहीं मिला है। इसके विरोध में हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़, लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। विधानसभा का घेराव करने हम लोग प्राइमरी सहकारी समितियां जो न्याय पंचायत स्तर पर गठित हैं, उनको नियमित वेतन की मांग को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जा रहा है। हमारी समितियों के कर्मचारियों को 2003 से नियमित वेतन के लिए कमीशन बेस पर हमारे इन्होंने आधार कर दिया था। इससे हमारा व्यवसाय रोजाना गिरता जा रहा है। व्यवसाय के अभाव में हम लोगों को, कर्मचारियों को, साथियों को विगत कई वर्षों से नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा था। अब इनकी एक बीच का रास्ता निकालते हुए हमारे चार संगठन, उत्तर प्रदेश सहकारी समित कर्मचारी संघ, संयुक्त सहकारी समित कर्मचारी संघ, सचिव वेलफेयर सोसाइटी, साधन समचित सचिव परिषद, चारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश सहकारी समित कर्मचारी समन्वय समिति का गठन किया है और उसके बैनर के तले आज हम सब लोग इकट्ठे होकर के विधानसभा घेराव के माध्यम से हमारी प्राइमरी समितियों के जो कर्मचारी हैं, जिसमें आंशिक विक्रेता सहयोगी सचिव सभी को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए एक सूत्रीय पहली मांग है कि उनको सरकारी खजाने से वेतन दिया जाए। लगभग कितने वर्षों से वेतन की विसंगतियां चल रही हैं? ये विगत 10 वर्षों से चल रही है वेतन की विसंगतियां, और ये 2010 से हम लगातार लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और सरकार और शासन और प्रशासन, जो भी सरकारें आई, सबको अपनी पीड़ा पहुंचाने का हमने प्रयास किया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी जो सहकारी समितियां हैं, आप सभी लोग जानते हैं, 3/4 किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कोई भी जब नियमित वेतन नहीं मिलेगा, तो सरकार का जो सपना है कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जो आय को दूना करने के लिए जिस एजेंसी का बहुत बड़ा महत्व है, जिन कर्मचारियों का बहुत बड़ा महत्व है, उनके योगदान से आय दूनी की जा सकती है। जब उनको नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार की जो ये घोषणा है वो डफोल संघ है, उसमें कोई दम नहीं है। ये सरकार की आय दूनी करना चाहते हैं, इनकी शोषणकारी नीति है। हम सारे समिति के कर्मचारी और सारे संगठन मिलकर के इस इनकी नीतियों का, शोषण का विरोध करेंगे, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज तो हम विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है, और कल से पूरे प्रदेश की सहकारी समितियों में तालाबंदी हो जाएगी, कार्य का बहिष्कार हो जाएगा। जो धान खरीद का बहुत बड़ा मिशन है सरकार का, वो कल से ही बंद हो जाएगा। सरकार किसी भी दशा में धान खरीद नहीं कर पाएगी। ये मेरा सभी से अनुरोध है, और मैं साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कल से इस सरकार के और शासन प्रशासन और सहकारिता के अधिकारियों के खिलाफ डट करके मुकाबला करें और सहकारी समितियों में पूर्ण तालाबंदी करें। यही मेरा सबसे अपील है। धन्यवाद। नाम बता दिए। मांग, पहली मांग है नाम मोहनलाल गौर, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।